क्या मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार ने की थी द कश्मीर फाइल्स की झूठी तारीफ? क्या द कश्मीर फाइल की सक्सेस से डर गए थे अक्षय? विवेक अग्निहोत्री ने अक्षय की खोली पोल, बताई स्टार की सच्चाई। वेल क्या है ये पूरा मामला जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया फिल्मी की ये रिपोर्ट। वेल आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में रहेगा एक सवाल, जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक गिफ्ट हैम्पर। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ। वेल ये तो सभी जानते हैं कि विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स साल 2022 की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। नेताओं से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक फिल्म को सराहा गया। इसी कड़ी में अक्षय कुमार ने भी फिल्म की तारीफ की थी और कहा था कि द कश्मीर फाइल्स एक लहर बनकर आई जिसने सभी को झंझोर दिया और उनकी फिल्म को भी डुबो दिया। वेल आपको बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे द कश्मीर फाइल की रिलीज के एक हफ्ते बाद आई थी। उस वक्त विवेक ने अक्षय का धन्यवाद करते हुए उनका एक वीडियो भी पोस्ट किया था, लेकिन अब अपने एक इंटरव्यू में विवेक ने दावा किया कि तारीफ करना अक्षय कुमार की मजबूरी थी। दरअसल विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में आरजे रौनक के साथ एक इंटरव्यू किया। इस दौरान आरजे रौनक कहते हैं कि बॉलीवुड के सारे लोगों ने आपकी फिल्म की सराहना की। तब विवेक अग्निहोत्री ने पूछा कि जैसे नाम बताओ। इस पर आरजे ने कहा कि अक्षय कुमार ने बोला है। इसके जवाब में विवेक कहते हैं कि वो तो मजबूरी में, क्या बोलेगा आदमी जब 100 लोग सामने खड़े होके सवाल पूछेंगे कि कश्मीर फाइल्स चली आपकी फिल्म नहीं चली। मैं एक फंक्शन में था भोपाल में तो उन्हें बोलना पड़ गया। इतना ही नहीं विवेक ने आगे कहा कि पीछे कोई तारीफ नहीं करता, ना ही किसी ने मैसेज करके उनकी फिल्म की तारीफ की। हो क्या रहा था कि वो अपनी फिल्म का प्रचार करने के लिए जाते थे और मीडिया के लोग कश्मीर फाइल्स पर सवाल पूछते थे तो उन्हें जवाब देना होता था। वेल इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए आज का सवाल। तो हमारा सवाल है कि अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे में कृति सेनन का क्या रोल था? आप इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे दें और जीते एक गिफ्ट हैम्पर। अब बढ़ते हैं हमारी खबर की तरफ। वेल ये तो सभी जानते हैं कि द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसके अगले हफ्ते ही 18 मार्च 2022 को अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे रिलीज हुई थी। द कश्मीर फाइल्स ने अच्छा बिजनेस किया था, जबकि बच्चन पांडे बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद जब अक्षय कुमार से इस पर बात की गई तो उन्होंने कहा था कि द कश्मीर फाइल के कारण उनकी फिल्म डूब गई। वेल जिस तरह से विवेक अग्निहोत्री ने अक्षय कुमार को लेकर खुलासा किया है और साथ ही बताया है कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर अक्षय कुमार ने मजबूरी में तारीफ की थी, उस पर आपकी क्या राय है हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए फर्स्ट इंडिया फिल्मी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।